जंगल से आएगी पीछे की तरफ। हाँ सर पीछे पीछे चल रहा था। सभी अरे कल से परसों से भाई से क्या करें इसी सर का होगा जंगल जंगल आइए सुबह सर था दूसरे लोग भी वेट कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा जल्दी करें सर। ये घटना जो हुई काफी दुखद घटना है, आगे क्या स्टेप लेंगे और कैसे हुआ कैसा हुआ? ये चक्कर क्योंकि हम लोग जंगल का माहौल देने का पूरा प्रयास रहता है इंक्लूसिव के अंदर, क्योंकि नेचुरल एटमॉस्फेयर देना हमारा पहली प्राथमिकता है। जब नेचुरल एटमॉस्फेयर हम लोग देते हैं तो उसमें नेचुरल हैबिटेट में इन लोगों इन एनिमल्स का भी हैबिटेट बन जाता है, जिसमें सांप बिच्छू और इस तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। कई बार एक दूसरे को अवॉइड करते हैं ये, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है जब एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर पाते तो फिर इनके बीच कहीं किसी न किसी में फाइटिंग हो जाती है। विशेष रूप से जो कैट फैमिली जैसे कि टाइगर वगैरह है, ये बड़े चंचल स्वभाव के रहते हैं। इनके इनक्लोजर में कोई भी मूविंग करने वाला, कोई भी हलचल करने वाला ऑब्जेक्ट अंदर आता है, किसी भी तरह का कोई एनिमल घुसता है तो उसके ऊपर ये उसमें क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है उसको जानने समझने के बारे में क्या एनिमल है, क्या क्यों है, क्या कर रहा है। तो ऐसे ही उसने शायद कोबरा के साथ छेड़खानी की होगी और इसी छेड़खानी के दौरान उसने उसको अटैक किया उसके ऊपर, तो साथ ही कोबरा ने भी शायद अटैक किया। और जिस तरह से वो कोबरा घायल अवस्था में मिला है पटिए के नीचे बैठा हुआ था, उससे लग रहा है कि इनके बीच कहीं ना कहीं फाइटिंग हुई, जैसे कि पहले भी टाइगर और स्नेक के बीच यहाँ फाइटिंग हुई है। तो उसी तरह फाइटिंग, चूँकि कोबरा काफ़ी बड़ा है ये और हाईली पाइजनस है, ब्लैक कोबरा है, उसी के काटने से इसकी अलग से डेथ हुई है।